अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 11% की कमी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की सालाना प्रेस मीट। खानगी फाइनेंसर्स को दिया गया इंतबाह। कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल आवारी के लिए तमाम रियासतों का तआवुन दरकार। कौमी तालीमी पॉलिसी पर मुनक़िदा सेमिनार से गवर्नर का खिताब। मरकजी वजीर पीयूष गोयल तेलंगाना के 70 लाख किसानों से माजरत ख्वाही करें। रियासती वजीर हरीश राव ने किया मुतालिबा। हकीमपेट में ईदगाह की बाउंड्री वाल मुनहदिम करते हुए मंदिर को रास्ता फराहम करने की कोशिश। शरपसंदों की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। ड्रग्स की मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। SOT रच्चाकुंडा की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। जारिया साल गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 11% कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने हैदराबाद कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात बताई। उन्होंने जराइम के मुख्तलिफ ज़ुमरों के बारे में तफसीलात और आदाद व शुमार पेश किए, जबकि खानगी फाइनेंसर्स को इंतबाह दिया कि उनकी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि मकानात के घरेलू मुलाज़मीन की जानिब से की गई सरखी की वारदातों में जारिया साल इजाफा हुआ है, जबकि कत्ल के केसेस में 7% और गाड़ियों की चोरी केसेस में 16% इजाफा हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट पेश करते हुए तमाम तर तफसीलात बताईं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नरान DCPs के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। 236 मोर और लेस इट हैज रिमेन सेम। बॉडीली ऑफेंसेस लो, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज हुसैन सागर में भगवान बुद्ध के स्टैचू के सामने एनुअल प्रेस मीट हुआ और हमारे क्राइम ब्रांच के एनालिसिस के मुताबिक ईयर 2020 के कंपैरिजन में ओवरऑल 11% क्राइम का रिडक्शन हुआ है। कुछ फील्ड जैसे साइबर क्राइम, इसमें क्राइम का इंक्रीज़ हुआ है। हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 1.5 सालों से सभी के साथ मिलकर जो हैदराबाद को एक बेहतर सिटी बनाने का जो एक कैंपेन चल रहा है उसके तहत बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। जब कोरोना में हिंदुस्तान के दूसरे शहर, दूसरे स्टेट जिनकी इकॉनमी बहुत ख़राब हुई पहले से, वहीं हैदराबाद की और तेलंगाना की इकॉनमी पहले से बेहतर हुई है। आज GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP का बात होता है, तो हैदराबाद का और तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा है, जो कि बड़े बड़े सिटी जैसे अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब से ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारा है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का बैकग्राउंड सबसे बड़ा यही है कि यहाँ अमन और चैन है, यहाँ पीस और सिक्योरिटी है, और इसी के तहत दुनिया की सब बड़ी कंपनियाँ हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं, नए जनरेशन को नए नए मौके मिल रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज़ हुआ। इस सेमिनार से ख़िताब करते हुए रियासती गवर्नर तमिल साई सुंदरराजन ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी। गवर्नर ने बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल के लिए तमाम रियासतों को तआवुन करना चाहिए और कर्नाटक में इस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी वाइस चांसलर्स के साथ तबादले ख्याल करते हुए इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस विद ऑल द वाइस चांसलर्स, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी पर डे इलैबोरेटली वी कवर्ड व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स faced in the management,
faced in the educational system and faced in the staff recruitment, faced by the universities in educating the children, and what all, everything we covered. Why I am telling this? We are ready to implement the state education policy, national education policy, the new education policy, and we have already conducted a clear scan report. Because उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज एसएफआई और एआईएसएफ के कारकुनों की तरफ से गवर्नर के दौरे और सेमिनार में उनकी शिरकत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम की तरफ से सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है और हम इसकी मनसूखी का मुतालबा करते हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ఉస్మాని యూనివర్సిటీ సిగ్గు సిగ్గు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ఆర్ఎస్ఎస్ టీచర్ యూనియన్ తో కలిసి సెమినార్ పెట్టడం సిగ్గు 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 వ్యతిరేకిద్దాం ఈ రోజు వచ్చే రాష్ట్ర గవర్నర్ పర్యటన సిగ్గు చేటు ఈ రోజు ప్రభుత్వ సంస్థల ఆర్ఎస్ఎస్ టీచర్ యూనియన్ తో కలిసి సెమినార్ పెట్టడం సిగ్గు 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 కాపాడుకుందాం అడ్డుకోండి ఈ రోజు జరిగే నేషనల్ సెమినార్ అడ్డుకోండి అడ్డుకోండి ఇవ్వాలి పిఎల్డి స్థలాలకు ఫిలోసఫులను వెంటనే ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఫిలోసఫులను వెంటనే ఇవ్వాలి वजीर फाइनांस व सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया है कि वो तेलंगाना के 70 लाख किसानों से माजरत ख्वाही करें, क्योंकि उन्होंने एक तो रियासती वजरा को 3 दिन तक मुलाकात का वक्त नहीं दिया और दूसरे मुलाकात के दौरान ये कहते हुए भी रियासत के किसानों की तौहीन की है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का कोटा पाए तकमील कर लिया है। हरीश राव ने कहा कि अभी भी 62 लाख मैट्रिक टन धान रियासत के किसानों के पास मौजूद है। उन्होंने मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ ग्लोबल तशहीर कर रहे हैं। राष्ट्र प्रभुत्व मैं इस्ता महाप्रभु तीस को गोडोन किराए दुको अमाली पेको टेक्निकल पर्सन रैलवे వ్యాగన్స్ ను ఏర్పాటు చేయి అని ఒక్కటి కాదు పదుల సంఖ్యలో ఉత్తరాలు రాసినాం। ఇది మీ చేతగానితనం, మీరు తీసుకోక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బియ్యం ఇయ్యలేదనేటువంటి ఒక డొల్ల డొంక తిరుగుడు ఆరోపణలు మా మీద చేస్తున్నారు। అడిగింది ఏంది, నువ్వు మాట్లాడుతున్నది ఏంది? అయ్యా యాసంగిల వడ్లు కొట్టవా కొనవా, రైతుల ఓట్లు కావాలి కానీ రైతుల వడ్లు వద్దా, కాదేందో చెప్పవయ్యా అంటే అది చెప్పడు। వానకాలం నువ్వు 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకి ఇచ్చినావు, ఇంకా మరి తప్పుదోవ పట్టిస్తూ రాజకీయం చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ బీజేపీ చేస్తా ఉంది। మేము మాట్లాడింది ఏమున్నది? మీరు దేశమంతా ఒకే పద్ధతి ఉండాలి, పంజాబ్లో పండిన వడ్లన్నీ కొన్నప్పుడు తెలంగాణలో ఎందుకు కొనరు, యాసంగిల వడ్లు కొంటరా కొనరా, ఇదే కదా మేము సూటిగా అడిగింది। వానకాలంలో మీరు 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, మరి అది దాటిపోయింది, మరి ఇప్పటికే 50 లక్షలు కొన్నాము, ఇంకా 20-30 లక్షలు ఉన్నది, అది తీసుకుంటామని వ్రాతపూర్వకంగా ఇవ్వండి అని అడిగినాం। ఇందులో ఏమైనా తప్పు ఉన్నదా? ఇందులో రాజకీయం ఉన్నదా? ఇందులో అది हल्के असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली और रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी और कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाकों की निगरानी के लिए तंसीब किए गए 116 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमराज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मस्कुरा प्रोजेक्ट की लागत 43,85,634 रुपये बताई गई है। మహేశ్వర గారు రాజకీయ సిపిఎం వారు వారు ఏ సమాధానం
हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम के हाथ से आज 116 कैमरों का इनाग्रेशन यहाँ पे हुआ है। ये जो पूरे कॉलोनीज है इस एरिया में, खासकर न्यू रॉयल कॉलोनी हो, जमजम हो, कोतापेटा हो, सादत नगर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, ये सब कॉलोनीज कवर करते हुए ये कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, 24/7 पुलिस स्टेशन से लाइव मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद एक कंट्रोल रूम को भी ये कैमरा कनेक्ट किए जाएंगे। ये कैमरा के होने से हमारा जो ये एरिया में खासकर जो क्राइम कंट्रोल है उसके लिए काफ़ी हमें फैसिलिटी मिलेगी। ये जो अच्छा काम यहाँ के जो डोनर सामने आए, उन सब डोनर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग सामने आए करके आज हम यहाँ कैमरा लगा पाए। उनके साथ साथ जो डोनेशन जिन्होंने दिया, वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 लाख रुपया, और हमारे टीसीएस आदि बटला कंपनी, उन्होंने भी 11 लाख रुपए दिया हमारे सोसाइटी साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उनको भी मैं तहे। हकीम शाह बाबा दरगाह के करीब ईदगाह की बाउंड्री वाल मुनहदिम करते हुए मंदिर को रास्ता हमवार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस, वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू हकाम को शिकायत की गई। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नाना नगर डिवीज़न मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बताया कि चंद शरपसंद अनासिर ने अललसुवा JCB मशीन से ईदगाह की दीवार मुनहदिम करते हुए मंदिर को रास्ता फराहम करने की कोशिश की, ताहम बर वक्त मुतल्लिका पुलिस ने कार्रवाई की और काम को रुकवा दिया गया। पत्रे हम डाले तो आपके नहीं है सर, वो पुराने पत्रे हो, उतने बड़े बड़े गुंडा हम कहाँ डालेंगे, पहले के से वो नीचे के से हम ये डालिए, मोहरम डालिए हमारे। सुबह यहाँ पर जो है ना, अवलिन सातों में यहाँ हकीम शाह बाबा दरगाह के पास जो हमारी हकीम शाह बाबा ईदगाह है, बिल्कुल उसके बाजू जो है ना, चंद नीचे की बस्ती के चंद जो है ना गैर अनासिर लोग, जो फ़िरका परस्त का माहौल जो है ना जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आकर जो है ना ईदगाह की बाउंड्री वॉल को जो है ना सुबह अवलिन सातों में जो है ना आकर JCP लगाकर डैमेज करे और उसको पूरा तकरीबन जो है ना तोड़ दिए। जैसे ही यहाँ पर के निगरानकार को इस बात की इतला मिली तो वो फौरी तौर पर यहाँ कर ईदगाह की कमेटी को इतला दिए, ईदगाह की कमेटी जो है ना MLA साहब को इतला दिए, MLA साहब मुझको हिदायत दिए तो मैं यहाँ पर स्पॉट पर आया, तो हम लोग इमीडिएट जो है ना पुलिस को कंप्लेंट करें तो पुलिस भी जो है ना बर वक्त यहाँ पर मुदाखलत करी तो काम रुकवा दिए, JCP वगैरह रुका दिए। तो चंद अनासिर जो है यहाँ पर नीचे जो मंदिर का रास्ते के लिए जो है ना ये दीवार तोड़े हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की जो है ना बरवक्त मुदाखलत से ये मसले को जो है ना यहाँ पर थमा दिया गया है। और यहाँ पर चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बरवक्त इतला मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में काम को रुकाया गया, JCP को भी भेज दिए गए और हम वक्फ बोर्ड को भी इतला दिए, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी आ चुका है यहाँ पर, पूरे लोग आए हैं, फिर ये लोग उनको रुका कर जो भी यहाँ पर ये काम करेंगे हम उनके खिलाफ़ जो है ना ईदगाह की कमेटी से कंप्लेन देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोग जो है ना बार बार एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के आला पुलिस के आला अहदेदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से यहाँ पर जो है ना काम रोक दिया गया। शुक्रिया। रियासत कर्नाटक के अजला में होने वाले वार्ड इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बेलगाम कर्नाटक में मजलिस रुकन असेंबली हलके कारवान ने मुकामी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर आवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करें। इस मौके पर उनके हमराह मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान पठान के अलावा अठानी बेलगाम की उम्मीदवार शालनी प्रमोद व दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई।
جامعتُ المومنات مغل پورہ کی جانب سے مرحوم سید وقار الدین سابق ایڈیٹر رہنما دکن کا تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کی صدارت مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم اعلیٰ جامعتُ المومنات نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اس تعزیتی جلسے سے خطاب کرنے والوں میں مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی، مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، مولانا سید خیزر پاشا قادری کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ مقررین نے مرحوم سید وقار الدین کی صحافتی و ملی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا اور کہا کہ عرب دنیا کو متحد کرنے اور مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے حقوق کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جن میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ آج جامعت المومنات کی جانب سے مرحوم وقار الدین صاحب چیف ایڈیٹر رہنما دکن کا تعزیت کی جلسہ منعقد ہوا۔ الحمدللہ ہم وقار صاحب چیف ایڈیٹر رہنما دکن تھے، جن کی ملی خدمت کو ہم سہراتے ہیں، اور ایک دور تھا مسلم متحدہ محاذ بنا کر آپ نے نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان میں بہت اہم مقام حاصل کیا تھا، اور اس وقت دور حکومت کے تمام وزیر اعلیٰ آپ کے گھر پر آ کر آپ سے جب آ کر ملتے تھے تو جبھی چیز ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انڈو عرب لیگ کے نام سے انہوں نے جو تنظیم بنائی، نہ صرف تنظیم بنائی بلکہ مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے جو آپ کی جدوجہد رہی، ہندوستان سے اگر کسی کی آواز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص صاحب کی آواز ہندوستان کی آواز بن کر ہوئی، اور کئی جیسے کہ فائنینس کارپوریشن ہے کئی لوگوں پر بھی آپ فائز رہے، اور آپ کا ہمیشہ ایک ہی ڈر ہوا کرتا تھا کس طریقے سے ملت اسلامیہ کی پسماندگی جو ہو، جو مسلمان پسماندگی کے ڈوبے ہیں ان کو کیسا پسماندگی سے نکالا جائے۔ میں اللہ رب العزت سے سابق رکن پارلیمنٹ و بی جے پی قائد ویویک وینکٹ سوامی اور سابق وزیر و کانگریس قائد ونود کمار نے اپنے والد سابق مرکزی وزیر وینکٹ سوامی کی ساتویں برسی کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرنے کے بعد ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وینکٹ سوامی نے اپنی زندگی میں کئی ایک تعلیمی ادارے قائم کیے اور دلت کے علاوہ غریب طلباء کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے بھی اقدامات کیے، جبکہ آج بھی کاکا فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ خدمات جاری ہیں۔ دوسری جانب گاندھی بھون میں بھی کانگریس قائدین نے سابق مرکزی وزیر وینکٹ سوامی کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ بی جے پی رکن اسمبلی رگھو نندن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزراء کے دورے نئی دہلی کو ڈرامہ بازی قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاستی وزراء کے علاوہ ٹی آر ایس قائدین مرکزی حکومت اور مرکزی وزیر پیوش گوئل کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ مرکزی وزیر نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسانوں کو مفت 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے میں تعاون کیا ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اندرا پارک پر دیے گئے دھرنے اور 2 روز قبل ریاست بھر میں کیے گئے احتجاج کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حضور آباد میں بی جے پی کی کامیابی سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ خوف کھائے ہوئے ہیں۔ صدرنشین ساہتیہ اکیڈمی کے عہدے پر گوری شنکر نے رویندر بھارتی میں قائم دفاتر میں جائزہ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے انہیں صدرنشین کے عہدے پر فائز کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ ریاستی وزیر سیاحت و اسپورٹس سسیل نواز گوڑ اور نائب صدرنشین پلاننگ کمیشن ونود کمار نے گوری شنکر کو مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا نے ضلع نرمل کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر امر سنگھ نامی کسان جنہوں نے خودکشی کر لی تھی ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور انہیں دلاسا دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے سی آر پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لاپرواہی اور کسانوں کے مسائل حل نہ کرنے کے باعث ریاست کے کسان مالی مشکلات سے دوچار ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔
लक्ष रूपये एमएलए इट्टल रेड्डी एमएलए निर्मल तालूक महेश रेड्डी मन पार्टी वाईएसआर पार्टी अधिकार इदारे अदब सादिक की जानिब से तहनियत जलसा और तरही मुशायरे का इनेकाद इदारे के दफ्तर वाक़ मेहदीपट्टनम में अमल में आया। जलसे की सदारत अजमल हुसैन मोहसिन एडवोकेट ने की, जबकि इदारे के सरबराह डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक ने खैर मकदम किया और शुरका से इजहार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर शोरा ज़ईम ज़मरा, क़ारी अनीस अहमद, ज़ाहिद हरियानवी, जावेद नसीम, शकील हैदर के अलावा तस्नीम जौहर व दीगर भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली को पीएचडी की तकमील पर तहनियत भी पेश की गई। इदारे अदब सादिक इतना बड़ा जो इदारा है, हैदराबाद है, मत करो बैनर भी ले एक मिनट, जो भी है दूसरे बोल सकते हैं, आप नहीं बोलना कहीं भी पूछो दूसरे, आपकी तारीफ जो है ना नंबर आप पूरे लिख रहे, एक मिनट में बोलता हूँ अभी। थोड़ी देर के लिए फैन बंद कर दीजिए, फिर आ रहा हूँ अभी, एक पीछे जाहिद भाई भी हैं आपके, पता के नहीं नहीं वो आप लेना। सिख छावनी में जर तामीर इमारत से गिरने की वजह से 65 साल वर्कर फौत हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक 65 साल ईश्वरैया अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसके सर पर जख्म आया और मुकाम हादसे पर ही वह फौत हो गया। मुतालिका पुलिस ने इतला मिलते ही नाश को बगर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में जाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। SOT रचाकुंडा ने हशीश की मुंतकली और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खम्मम के मुतवतियान मोहम्मद अफरोज रविंदर और वेंकटेशन खम्मम से हशीश ऑयल हैदराबाद ला रहे थे। मुसद्दिक इत्तला पर तीनों को गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से 5 लीटर हशीश ऑयल और 3,000 रुपये की नकद रकम भी जब्त कर ली गई। जुमला जब्त की गई अशिया की मालियत बशमुल नकद रकम 20 लाख रुपये बताई गई है। इस टोली का अहम सरगना वेंकटेश मफरूर बताया गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती गवर्नर टी साई सुंदरा राजन ने कहा है कि नौजवानों को ड्रग्स की लानत से महफूज रखने के लिए हुकूमत समाजी तंजीमों और मशहूर शख्सियतों को कोशिश करने की ज़रूरत है। बेगमपेट में एक खानगी तंजीम की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ साइकिल रैली से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि रोज़ ड्रग्स की बड़ी मकदार का पकड़ा जाना बायस अफसोस है। गवर्नर ने इस साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। Permanent illness. We are taking some drug. There is no any harm effects on the body. It affects your mental attitude. It affects your physical attitude, and you become a person with physical illness. You become a person with mental illness, and what all the talents you have, everything engulfed by this bad use of drugs. So please.
شاہینات گنج پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جمعرات بازار میں پولیس کی جانب سے کمیونٹی کنیکٹ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے دوران 150 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس مہم کے دوران 80 مکانات کی تلاشی لی گئی، جبکہ بغیر دستاویزات کی 65 گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔ غیر قانونی طور پر سلینڈر سے ریفیل کرنے والے دو افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر ویسٹ زون اے آر سرینواس کی نگرانی میں مذکورہ کارروائی کی گئی۔ آل رینکس میں سے ہوم گارڈ سے لے کے انسپیکٹر تک اور تین پلاٹون کو اس میں شامل ہوئے۔ اس کا مین ریزن کیا ہے بولتے ہیں، یہ 150 نمبر پولیس گروپس میں ڈیوائڈ ہو کے وہ ایریا میں گھروں کو ٹچ کرتے ہیں، گھر والے گھروں گھر کا اونر سے اس سے اونر سے ریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں، وہ لوگوں سے پولیس کے یہ اور کوئی پرابلمس ہے کیا، لان آرڈر ایشوز ہے کیا، ہمارا پیٹرول کا اور کچھ امپرومنٹ ہونا کیا، وہ پتا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہم ٹوٹل ایک ایک گھر گھر گھروں تک چیک کریں، ٹچ کریں، 80 گھروں تک جا کے ٹچ کریں اور لوگوں سے بات کریں۔ اس میں ایسی 12 رو میٹرس بھی چیک کریں، اس میں 12 رو میٹرس اور ٹو ویلرس بھی چیک کریں گے 2 گھنٹے میں۔ اس میں پورا 65 ویکنس ڈیٹین کیا گیا، اس میں 64 ٹو ویلرس اور 8 3 ویلر۔ اس میں 65 ویکنس کے اوپر 52,000 میں چلان پینڈنگ ہے۔ اس میں تھوڑے لوگ آن لائن میں پے کریں، جب کا جب پے کریں، اس میں 22,000 پے کریں، ایسے تھوڑے 4 گاڑیاں وداؤٹ نمبر پلیٹ۔ بزم شاہین کرناٹک کے سربراہ حافظ محمد اکرام المعروف الحاج بابا جی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اردو کو دوسری زبان کے طور پر تمام مدارس کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ روی نیوز سے خصوصی بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ بزم شاہین کرناٹک کے مختلف اضلاع میں سرگرم ہے اور اردو کی ترقی و بقا کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اردو اور اردو والوں کی حوصلہ افزائی کرنا بزم کے اولین مقاصد میں شامل ہیں۔ سالانہ مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں اور اردو تہذیب کو زندہ کرنے کی کاوشیں بھی کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرناٹک میں موجودہ حکومت نے تاحال اردو اکیڈمی کے چیئرمین کو نامزد نہیں کیا ہے، جس سے حکومت کی عدم سنجیدگی کا رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے سیاسی قائدین پر بھی زور دیا کہ وہ اردو زبان کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ اس موقع پر امتیاز بیگ سربراہ ایم ایم گروپ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اس نالائق کچھ لائق سمجھا کہ آپ مجھ تک آئے اور بزم شاہین کے بارے میں پوچھا۔ بزم شاہین ایک ایسی بزم ہے جو اردو کی ترقی اور بقا کے لیے کام کرتی ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی کام کرتی ہے، سماجی خدمات کے لیے بھی کام کرتی ہے، لیکن ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اردو کی ترقی ہے۔ ہم اس کو بزم شاہین جو ہے ہمیشہ جو نئے نوجوان ابھرتے ہوئے لوگ ہیں یا جن لوگوں کو اسٹیج نہیں مل پاتا، اچھا لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اچھی ان کی تحریر ہے کلام اچھا ہے لیکن ان کو اسٹیج نہیں مل پاتا، ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ بزم شاہین سالانہ ایک مشاعرہ تو کرتی ہی ہے، کبھی کبھی دو بھی ہو جاتے ہیں، تین بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی باہر سے کوئی شاعر صاحب آئے یا ادیب آئے یا کوئی ایسے مہمان۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، یہاں بھی معقول لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے بورڈوں پر بھی کافی ماشاءاللہ اردو لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں جو ہمارے حکمران کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ دباؤ ڈالیں کہ اس کو اردو کو دوسری لینگویج میں تبدیل کیا جائے۔ ہم اردو اخبارات والوں کو بھی اور جو ہمارے قائدین ہیں ان سے بار بار گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اردو کی ترقی ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تہذیب بند ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم خود اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم اگر پہل کریں گے، ہم اگر کچھ کام کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے، لیکن لوگ پہل نہیں کرتے۔ صرف مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ نکتہ چینی کریں اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے نہ دیا جائے۔ دیکھیے، اردو اکیڈمی جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تب سے اردو اکیڈمی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا، ابھی تک بھی نہیں ہے۔
हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो कायदीन हैं वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के लिए आए हैं, हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि हम अपने हुकूक को इनसे ले सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी लीडर और हुक्मरान से बात करने की हिम्मत नहीं है कि अपने हुकूक को वो उनको दिला सकें। चेयरमैन जब से हुकूमत बनी अभी तक बना नहीं है और किसी ने बात भी मुझे लगता है कि नहीं की है। इस सिलसिले में कई बार चेयरमैन के बारे में बातचीत उठी, एक बार दरमियान में आया भी था कि भाई चेयरमैन बहुत जल्दी बनने वाले हैं, अब तो हुकूमत आखिरी मरहले में है, साल डेढ़ साल में उसका वक्त ख़त्म। खलीजी मुल्क कतर में कतर नेशनल डे की मुनासिबत से QPL की जानिब से हैदराबाद टाइगर्स और सीनियर अलायंस के दरमियान खुसूसी मैच खेला गया जिसको सीनियर अलायंस ने जीत लिया। इस मैच में कई बेहतरीन मुजाहरे देखने में आए जिनमें सीनियर अलायंस के खिलाड़ी आबिद खान ने बेहतरीन 45 रन बनाए जिसमें मुतवातिर लगाए गए 6 छक्के भी शामिल हैं और उन्होंने शानदार फील्डिंग का भी मुजाहरा किया। इसी तर्ज पर एक और खिलाड़ी अमजद खान ने ड्राविड की तर्ज पर शानदार बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर में तावुन किया। मोहम्मद जब्बार ने भी 3 बाउंड्रीज के साथ शानदार मुजाहरा पेश किया और नॉट आउट रहे। अलावाजी अशफाक आमिर ने मैच में बेहतरीन फील्डिंग की और मैच का बेहतरीन कैच लेते हुए उन्होंने दीगर खिलाड़ियों को मिसाल पेश की। फाउंडर डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने तमाम खिलाड़ियों से इजहार तशक्कुर किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जारिया साल जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 11% की कमी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की सालाना प्रेस मीट। खानगी फाइनेंसर्स को दिया गया इंतबाह। कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल आवारी के लिए तमाम रियासतों का तआवुन दरकार। कौमी तालीमी पॉलिसी पर मुनक़िदा सेमिनार से गवर्नर का खिताब। मरकजी वजीर पीयूष गोयल तेलंगाना के 70 लाख किसानों से माजरत ख्वाही करें। रियासती वजीर हरीश राव ने किया मुतालिबा। हकीमपेट में ईदगाह की बाउंड्री वाल मुनहदिम करते हुए मंदिर को रास्ता फराहम करने की कोशिश। शरपसंदों की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। ड्रग्स की मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। SOT रच्चाकुंडा की कार्रवाई। नाजरीन को न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसंद होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।